सो हे फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं मेकअप प्रोडक्ट आप लोगों को क्यों दिखा रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं मेकअप का कोर्स कर रही हूँ, तो आज मैंने मॉडल रेडी करनी थी। तो ये रही मेरी फ्रेंड तानिया, जो कि मेरी मॉडल बनेगी। और इसकी बच्चों वाली हरकतें इग्नोर कर दो। तो पहले तो मुझे फ़ोन रखने की कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी, तो फिर मैंने ऐसे फ़ोन ऊपर कहीं ड्रॉ में रख के थोड़ा सा कर लिया सेट वेट। तो फिर मैंने सबसे पहले करा तानिया का CTM। और ये पीछे हमारे सर घूम रहे थे, जिनकी डर की वजह से हम थोड़ा सा अच्छे से और सीरियस होके काम करेंगे। सबसे पहले मैंने करा क्रिम्प, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं यार, कब लाइट चले जाए। लाइट बहुत धोखेबाज है और ये धोखा दे के चली जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं क्रिम्प का काम, हेयर्स का काम निपटा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने तानिया के हेयर्स कर दिए क्रिम्प अच्छे से। और हेयर्स क्रिम्प करने के बाद मैंने अपना मेकअप कर दिया स्टार्ट, जो मैं हाफ हाफ ही वीडियोज़ में दिखा पाऊंगी। ऐसे वीडियो बहुत लंबी बन जाती, मैंने मिनी ब्लॉग का सोचा था, बट ये थोड़ा लंबा हो गया। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जाने देते हैं। उसके बाद मैंने करा इसके ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो करने के बाद मैंने तानिया का थोड़ा सा हेयर स्टाइल बनाया। लिपस्टिक वगैरह मैंने लगाई दी थी, हेयर स्टाइल मैंने कर लिया था, बस उसको थोड़ा सा स्प्रेड करना था। तो मैंने उसको थोड़ा सा अच्छे से स्प्रेड करा। और तानिया को शायद पेन हो रही थी, मुझे बोल रही थी थोड़ा धीरे कर। और मेरे को सर बोल रहे थे पहले मुझे दिखाओ, तो ये लो मैंने तानिया को घुमा दिया पूरा ही सर को दिखाने के लिए। और मैंने फटाक से तानिया को वापस भी ला दिया उसी जगह पे। और ये तानिया का डांस हो गया शुरू, क्योंकि तानिया हो रही थी बोर। तो मैं तो उसको एंटरटेनमेंट कर नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे करना था काम। तो उसने सोचा चलो यार, मैं खुद ही खुद का एंटरटेनमेंट कर लेती हूँ। तो वो अपना डांस करने लगी। और फिर मैंने तानिया को ही फ़ोन पकड़ा दिया, मैंने कहा थोड़ी देर के लिए खुद ही पकड़ लिया। यार फ़ोन बार बार गिर रहा था, मैंने सोचा चलो पीछे से भी थोड़ा हेयर स्टाइल आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। तानिया के हेयर स्टाइल करने के बाद मैंने इसका सारा फुल मेकअप कर दिया था, कर्ल्स भी डाल दिए, सब कुछ कर दिया था। बट मैं क्लिप्स नहीं ले पाई, कोई बात नहीं, आगे पूरी लुक की क्लिप्स हैं मेरे पास, वो मैं ऐड कर दूँ और आप लोग देख लो।